हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक आखिरी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बोर्ड पे बनाया गया है। तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ भी है। तो अगर आपने ये न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर दिया तो ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल आप इजिली सॉल्व कर पाओगे बेस्ड ऑन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे बच्चों दिया गया है ऐसा डायग्राम और पूछा गया है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो डायग्राम में हमें कहां पे भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा नहीं है। आप देख सकते हो सीरीज और पैरेलल कहां पे भी दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा की कुछ कहानी अप्लाई करने की ट्राई करेंगे। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो स्टार और डेल्टा जैसा भी कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा है डेल्टा कनेक्शन। अब आप बोलोगे कि सर डेल्टा कनेक्शन में तो तीन जो रेजिस्टेंस होते हैं वो डेल्टा फॉर्म में होते हैं, तो यहां पर भी तीन ही रेजिस्टेंस है। तो ये दो रेजिस्टेंस है, क्या मैं उसको ऐसे कर सकता हूं, यानी कि ये ट्राइंगल शेप कर सकता हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो सबसे पहले 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे कर दू, कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ इसको यहां से ऐसे टिल्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा। तो ये 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पूरा हमने ऐसे लगा दिया, तो यहां पर मैं लिख लूंगा कितना, 8 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे ही ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे कर दूंगा, तो यहां पे ये ऐसे करके ये हमारा कौन सा हो गया, 10 ओम का रेजिस्टेंस। यानी सिर्फ मैंने क्या किया है, 10 को सिर्फ ऐसे मैंने टिल्ट किया है और कुछ नहीं किया, कि जिससे करके डेल्टा हमें कुछ दिखे और हम कुछ स्टार उसको कन्वर्ट कर सके। तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 10 ओम। ठीक है, अब हमें डेल्टा कनेक्शन क्लियर कट दिख रहा है। पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि कुछ ट्रिक लगाया था एग्जामिनर ने, उसको ऐसे कर दिया था, तो हमने हमारी ट्रिक लगा के वापस उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये जो डेल्टा कनेक्शन है इसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे स्टार में कन्वर्ट करते हैं, आपको मालूम है, ऐसे डॉटेड लाइन स्टार के फॉर्म में बना दीजिए, ये डॉटेड लाइन हो गई आपकी। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है, सपोज इसको R1 बोल दे, ये R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गए हैं। ठीक है, यानी कि अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा के जो तीन रेजिस्टेंस है वो निकल चुके हैं, अब बाकी इक्विवेलेंट रह गए हैं कौन से, R1, R2 और R3। क्यों, R1 किसका इक्विवेलेंट है बच्चों, 8 और 4 का, तो ये 8 और 4 निकल गए, R1 आ गया। R2 किसका इक्विवेलेंट, 4 और 10 का, तो ये 4 और 10 निकल गए, R2 आ गया। R3 किसका इक्विवेलेंट है, 8 और 10 का, तो 8 और 10 निकल गए, R3 आ गया। तो यही डायग्राम अगर मैं वापस से बनाना चाहूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, बाद में क्या हो गया, ये R1 आ गया, तो यहां पे मैं ऐसे करके R1 बता दू, ठीक है, और ये R2 आ गया, ये तो निकल गया ना, ये क्योंकि ये अब डेल्टा कनेक्शन हमने रिमूव करके स्टार में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये यहां पे हमारा आ गया, ये आ गया R2। बाद में क्या है, ये बाद में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है एज इट इज, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, बाकी का क्या बचा है, बाकी का बचा है ये हमारा 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा यहां पे कितना है, ये R3, ये R1 R2 हो गए और ये हमारा R3, और ये किससे कनेक्ट किया गया है, R3 कनेक्ट है 14 ओम से, और बाकी का तो एज इट इज, ये कितना 18 ओम, यहां से आगे बढ़ते हैं, ये कितना 20 ओम, और यहां पे कितना 16 ओम, और ये कनेक्शन खत्म। तो हमारी सर्किट इस तरीके से हमने रिड्यूस कर दी। अब क्वेश्चन आएगा, R1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हमको, तो R1 का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। R1 कैसे फाइंड करेंगे, आपको मालूम है R1 के लिए क्या कहते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा टू स्टार में, कि R1 के आसपास के जो रेजिस्टेंस उसका क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आसपास में क्या है, 4 और 8, तो यहां पर लिख लेंगे 4 × 8, ठीक है, और डिवाइड में क्या करते थे, जो डेल्टा कनेक्शन था उसके तीन रेजिस्टेंस का एडिशन करते थे, तो यहां पे 4 + 8 + 10 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा,
32 डिवाइडेड बाय ये 8, 4, 12 एंड 22 ऐसा कुछ हो जाएगा ये। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आएगा देख लेंगे। पहले चेक करते 4 प्लस 8 प्लस 10 ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 22 तो आंसर आ गया 1.45 ओम। तो ये R1 का वैल्यू हम यहां डाल देंगे, ये रहा R1, तो ये R1 का वैल्यू मैं रब करके यहां पे लिख लो, कितना लिख लो 1.45 ठीक है। अब उसी तरीके से R2 फाइंड करेंगे, तो R2 के लिए हम क्या करते थे, R2 के लिए पास पास के दो रेजिस्टेंस उसका मल्टीप्लीकेशन 4 × 10 डिवाइडेड बाय जो डेल्टा कनेक्शन है तीन रेजिस्टेंस उनका एडिशन, तो ये सेम 4 + 8 + 10 तो डिवाइडेड बाय 22 तो आएगा ही, ये 4 × 10 = 40 तो 40 डिवाइडेड बाय 22 करके देखते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 22 तो ये आ जाएगा 1.81 कर देते हैं ठीक है, 1.818 है तो हम इसको 82 भी लिख सकते हैं, तो 1.82 कर देते हैं 82 ओम ठीक है। तो R2 की जगह पे क्या आ गया हमारा 1.82 तो यहां पे लिख लेते हैं 1.82 ठीक है। उसी तरीके से R3 फाइंड करेंगे, तो R3 के लिए हम क्या करते थे, R3 के लिए पास पास के दो रेजिस्टेंस उसका मल्टीप्लीकेशन 8 × 10 डिवाइडेड बाय जो डेल्टा कनेक्शन है 4, 8, 10 उसका एडिशन, तो 4 + 8 + 10 सो ये हो जाएगा 80/22 तो इसका कर देते हैं 80/22 3.63 आ जाएगा 3.63 ओम ठीक है। अब R3 भी हमारा खत्म हो गया, तो ये R3 यहां पे लिख लेते हैं कितना 3.63 ठीक है। अच्छा अब ये जो सर्किट है क्या मैं इसे ऐसे रिड्यूस कर सकता हूं कि अगर देखें इसको ध्यान से तो ये चलो पहले ऐसे कर देते हैं, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होता है तो एडिशन होता है, तो कितना ये 2 + 1 3.45 चलो इसका आंसर तो आ गया। अब ये किस में है, ये भी हमारे सीरीज में है, तो 6 + 1 तो ये आ गया 7.82। अब ये सर्किट को हम ऐसे बना दे, ये कितना आ गया 3.45 और यहां पे कितना आ गया 7.82 ठीक है। अच्छा अब ये जो है ये भी किस में है, सीरीज में है, तो दोनों का एडिशन कर देंगे, तो एडिशन में कितना आएगा 14 + 3 17.63 आ गया। अच्छा ये बचे यहां पे 12 और यहां पे 18 यहां पे 20 यहां पे 16 ये पॉइंट बी ये पॉइंट ए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या कर सकते हैं, ये 12 जो 18 जो दोनों है वो किस में है, वो सीरीज में है, तो इनका हम क्या करेंगे एडिशन, एडिशन कितना आएगा 12 + 18 का, 18 का आएगा 30 ठीक है, तो ये 30 आ जाएगा। और ये किस में है, ये भी किस में है, सीरीज में है, सीरीज में वापस एडिशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये डायग्राम, ये जो 30 है उसको हम ऐसे बना देंगे और ये 36 है उसको हम ऐसे बना देंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो पहले यहां पे कुछ रेजिस्टेंस, यहां पे भी कुछ रेजिस्टेंस 3.45 का, 3.45 का, यहां पे 7.82 7.82, बाद में क्या किया ये वाला बीच का, बीच का कितना है 17.63 बाद में ये दोनों का इक्विवेलेंट 30 आ गया, इधर कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 30 आ गया और ये दोनों का इक्विवेलेंट 36 आ गया, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ गया 36 आ गया ठीक है। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट बी ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट करके यहां, ये दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट करके यहां कनेक्ट कर दिया ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखेंगे तो वापस हमको दो डेल्टा दिखेंगे, अब डेल्टा को वापस स्टार में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में से कोई भी एक डेल्टा ले लो आंसर आपका वही रहेगा। अच्छा तो मैं क्या करूंगा, मैं सपोज यहां का मैं डेल्टा ले लेता हूं, इसको मैं स्टार में कन्वर्ट करूंगा, कैसे
ये स्टार में कन्वर्ट हो गया, ये आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री, ठीक है। अच्छा तो अगर इसको मैं रिड्यूस करूं तो कैसे मैं रिड्यूस कर पाऊंगा ये थ्री पॉइंट, हाँ इसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो कैसे कर पाऊंगा, यहां पे ऐसे ये जो R1 है, R1 जो जो स्टार बना है इसको मैं, ये A पॉइंट इसको मैं सीधा ही बना देता हूं, R1 को सीधा ही बना देता हूं, ठीक है, R1 को सीधा बना देता हूं। ये बाद में ये R2 है, ये R2 बाद में क्या है R3, ये R3, ठीक है, और बाद में क्या है इसके साथ ये R2 के साथ, R2 के साथ ऐसे कनेक्ट है तो मैं इसको थोड़ा मोड़ दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7.82, और बाद में R3 के साथ कौन सा है ये वाला, कौन सा 36 वाला, और ये किससे कनेक्ट किया गया है B पॉइंट से, ठीक है। अच्छा अब वापस क्वेश्चन आ जाएगा, R1 का वैल्यू फाइंड करो, R2 का और R3 का वैल्यू फाइंड करो, तो यहां पे फाइंड कर देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, आपने शायद लिख लिया होगा। अच्छा तो कैसे फाइंड करेंगे, यही इक्वेशंस, R1 का इक्वेशन क्या है, R1 का इक्वेशन पास पास के दो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन 3.45 मल्टीप्लाई विथ 30, और डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में जो डेल्टा कनेक्शन है ये वाला डेल्टा कनेक्शन उसके तीन रेजिस्टेंस का एडिशन, तो यहां पे लिख लेंगे 3.45 प्लस 30 प्लस 17.63 इज इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा 3.45 इंटू 30 103.5 डिवाइडेड बाय इनका एडिशन 3.45 प्लस 30 प्लस 17.63 तो ये आ जाएगा 51.08। अब ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो 103.5 और डिवाइड कर देंगे किससे 51 से तो आ जाएगा 2.02 ओम, ठीक है। अच्छा ये R1 का वैल्यू मिला, R1 कहां पे यहां, अब बच्चों ये 3.45 तो इक्विवेलेंट में निकल गया, ये डेल्टा का पूरा ये निकल जाएगा, ये भी निकल गया तुम्हारा ये डेल्टा कनेक्शन क्योंकि इक्विवेलेंट आ गए हैं अब, तो अब डेल्टा को मत देखिएगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट R1 तो ये दोनों निकल गए, R1 आ गया ऐसे स्ट्रेट कर दिया, उसके साथ R2 मैंने ले लिया क्योंकि ये दोनों निकल गए, R2 आ गया, ये दोनों निकल गए, R3 आ गया से 30 भी निकल गया, ठीक है। R1 की जगह पे कितना लिखेंगे, R1 की जगह पे लिखेंगे 2.02, ठीक है। उसी तरीके से R2 ढूंढेंगे तो R2 के लिए क्या करेंगे, R2 किस दोनों के बीच में है तो 3.45 और 17.63 के बीच में है, R2 मल्टीप्लीकेशन कर दो और डिवाइडेड बाय सबका एडिशन करो, ये सबका एडिशन किया है मैंने कितना था 51.08, तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं 3.45 मल्टीप्लाई विद 17.63 डिवाइडेड बाय 51.08 तो इसका आंसर आएगा 1.19 ओम, किसका R2 का, तो यहां पे R2 का आंसर मैं लिख लूंगा 1.19 ओम। इसी तरीके से R3 फाइंड करेंगे तो R3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, R3 किस दो के बीच में है 17 और 30 तो मल्टीप्लाई कर दो 17.63 इंटू 30 और नीचे तीनों का एडिशन, तीनों का एडिशन कितना था 51.08। अब आंसर देखते हैं इसका, तो 17.63 मल्टीप्लाई विथ 30 डिवाइडेड बाय 51.08 तो इसका आंसर आएगा 10.35। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 17.63 मल्टीप्लाई विथ 30 डिवाइडेड बाय 51.08, ठीक है 10.35 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे किससे 10.35। अच्छा अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा कि ये जो दो रेजिस्टेंस है ये किस में है, सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो इनका क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस करके क्या आंसर आता है 1.R1 + R2 1.19 + 7.82 तो आ जाएगा 9.01। सो ये 9.01 आ गया, ऐसे ही ये दोनों क्या है ऐसे देखोगे सीरीज में, ये भी सीरीज में, दोनों का एडिशन करेंगे तो दोनों का एडिशन करते हैं 10.35 + 36
46.35, ये आंसर आ गया। तो यही सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 2.02, ये ऊपर आ गया आपका 9.01, नीचे आ गया 46.35, और ये यहां कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये जो है ये किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्वेशन आप 1/r = 1/r1+r2 से भी कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट यूज करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। सो 9.01 मल्टीप्लाई विथ 46.35 डिवाइडेड बाय 9.01 प्लस 46.35, तो ये आंसर कैलकुलेट करते हैं, 9.01 इंटू 46.35, ठीक है, 9.01 46.35 डिवाइड प्लस इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 9.01 प्लस 46.35, क्या आएगा आंसर, 7.54 आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों का जो आंसर है 7.54 है, तो इसको मैं रिड्यूस करके ऐसे बना सकता हूँ, 2.02 ये पॉइंट ए और ये दो पैरेलल, इसका आंसर आ गया कितना, 7.54, ये पॉइंट हमारा बी। बस ये कैसे है, सीरीज में है, तो अब बस ये फाइनल आंसर आने की तैयारी, ए और बी दोनों का प्लस कर देंगे, 2.02 प्लस 7.54 आंसर आएगा 9.56 क्या ओम। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पॉइंट ए और बी के बीच का, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वीडियो को करते हैं यहां ही समाप्त, तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।